एवर इट इज, गोल इज नेवर वेरी बिग और वेरी स्मॉल, हर एक चीज ठीक है और हर एक चीज अपने हिसाब से सही होती है, ठीक है। चलिए, एम आई ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है ना मेरी आप सबको कि नहीं आ रही? या एम आई ऑडिबल? यस नाउ, ओके। सो टिल नाउ व्हाट आई सेड आई थिंक यू गाइस हर्ड और नॉट? आई वाज सेइंग दैट व्हेन आई वाज ऑनलाइन, व्हेन आई जस्ट केम टू द यूट्यूब टू स्टार्ट द सेशन, जैसे ही मैं ऑनलाइन आया and I came to the session to start GA Genius, which is our weekly current affairs show. I saw there was lots of love in the chat box mein bahut sara pyar tha, bahut sara pyar chal raha tha. So I thought that ki har ek student, if each and every student will love this much to their goals, to their exams, to their preparations, definitely they will, everyone can achieve the target, right? बहुत सारा प्यार था चैट बॉक्स में, फाइनली हमको कम करना पड़ा, अदरवाइज वो ओवरडोज हो रहा था ना प्यार का। चलिए, अच्छा रोज होता है ये, ठीक है, क्या कर सकते हैं यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो everyone can do the chat here, so not a problem, right? Chalte hain sir session ki aur, 14th to 21st of May current affairs MCQ we are going to discuss today in this session. Every Friday you guys can join me here at 10 o'clock sharp. In 30 minutes we are going to revise the current affairs MCQ of complete 1 week. One important information, today evening you will be having a long video of reasoning puzzles by Mukesh sir. 10 बजे रात को आई थिंक लाइव होने वाला है, और एग्जैक्ट डिटेल्स अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि व्हाट विल बी द टाइमिंग। सो इन वन नाइट यू गाइस कैन प्रिपेयर द कंप्लीट रीजनिंग फॉर एसबीआई क्लर्क, एक बार में, एक रात में आप पूरी रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं आपके आपके प्रिपरेशन के लिए। जी मैं टाइम बता दूं, यस इट विल बी एट 10 o'clock टुडे, Tonight 10 o'clock the video will be live. It is a video. Mukesh sir will not be live. It is a recorded video. It will be live there at 10 o'clock tonight. You guys can join it. ठीक है? चलिए, YouTube पर है. तो आप लोग देख सकते हैं complete video. आगे move करता हूँ sir session की ओर, start करूँगा question number 1 से. What we have done here? 60 question, 50 question पे comma है, 60 question पे full stop है. You will feel that after 50 question ki yes we can continue for remaining 10, then only we'll move, otherwise we'll end the session at 50 questions. Theek hai, chaliye start karte hain question number 1 se. Who has been appointed as the senior advisor to the US president Joe Biden? Joe Biden ji jo president hain यूएसए के, उनका सीनियर एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया है? वरिष्ठ सलाहकार निम्नलिखित में से किसको अपॉइंट किया गया है? रुमाना सिन्हा साइगल, विभा हरीश, नीरा नंदन, रिचर्ड वर्मा, राज अय्यर, हु हैज बीन अपॉइंटेड? चलिए क्या आंसर आ रहा है? नीरा टंडन जी करेक्ट आंसर है, नीरा टंडन। मैं कॉपी को जरा साइड में रख देता हूं, जी करेक्ट आंसर नीरा टंडन, बाकी लोगों की बात कर लेते हैं, अदर options are also important. Rumana Sinha Saigal, she is honored with World Humanitarian Award for the year 2021 mein diya gaya for the year 2020 World Humanitarian Award. Vibha Harish 30 under 30 Forbes ka jo list aaya hai, Asia 30 under 30 से इनको ऑनर किया गया, इट इज ऑल्सो अवार्ड। नीरा टंडन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, रिचर्ड वर्मा अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ऑफ मास्टर कार्ड, अजय पाल सिंह बांगा इज द चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड, एंड माइकल मायबेक इज द सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। राज अय्यर फ्यू डेज बिफोर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी, इंडियन अमेरिकन है, दैट इज व्हाई द नेम इज
दैट इज व्हाई द नेम इज इंपॉर्टेंट. तो ये हमने पांचों ऑप्शन यहां पर देख लिए, ईच एंड एवरी ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ डेब्यू बुक ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट शकूर राठर. शकूर राठर जी जो हैं, ये पीटीआई के पत्रकार हैं, इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट बुक? शकूर राठर जी की अभी हाल ही में पहली किताब आई, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट बुक? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग दोज हु हैव जॉइंड अस नाउ, यू कैन कीप कंटिन्यू विद अस गाइस. हर एक क्वेश्चन में बहुत सारा नॉलेज है, आराम से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट टारगेट इज टू फिनिश द सेशन इन 35 मिनट. सो करेक्ट आंसर क्या है? द लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली. सो बुक इज बेस्ड ऑन काश्मीर वैली, प्रेजेंट एंड ऑलवेज अनसर्टेन फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर लिखी गई बुक है काश्मीर की. रिमेनिंग बुक्स गाइस, लिविंग माउंटेन इज द बुक ऑफ मिस्टर अमिताभ घोष, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इज द बुक ऑफ मिस्टर नितिन गोखले, रिटन बाय मिस्टर नितिन गोखले, हैंडमेट मैगी ओ फैरल, माय लाइफ इन फुल ऑफ वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर बुक रिटन बाय, इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंदिरा नुई. तो ये सारे के सारे ऑप्शन अगेन विच आई सेड यू ईच एंड एवरी ऑप्शन विल बी इंपॉर्टेंट, तो ये भी सारे ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट थे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which football team has won 2020-21 Premier League Championship? निम्नलिखित में से किस football team ने 2021 Premier League जीता है? सर थोड़ा सा speed pick करूंगा guys मैं यहां से, ठीक है, थोड़ा सा speed pick करूंगा. हाँ, so correct answer is Manchester City. Manchester City recently won 2020-21 Premier League Championship. Next question. Who has been appointed as the head coach of Indian women's cricket team? Indian women cricket team ke head coach kisko appoint kiya gaya hai? Who has been appointed as the head coach of Indian women's cricket team? Indian women's cricket team head coach kisko appoint kiya gaya hai? Option B, Ramesh Pawar. Pakka. Aaj subah Rahul Dravid bhi bataya hai, waise maine aap logo. Today morning. Maine bataya Rahul Dravid bhi. राहुल द्रविड़ कहां पर अपॉइंट किए गए? आज मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया है टीएनएम, राइट? चलिए तो न्यूज में आगे बढ़ते हैं, डिटेल देख लेते हैं. जी तो करेक्ट आंसर पहले तो देख ले, रमेश पवार इज द करेक्ट आंसर. रमेश पवार इज द करेक्ट आंसर. इनको अपॉइंट किया गया है फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द इंग्लैंड टूर. He will be the head coach. और मिस्टर राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है, राहुल द्रविड़ सर को अपॉइंट किया गया है फॉर द मैंस टीम फॉर श्रीलंका टूर, श्रीलंका टूर के लिए, राइट? अच्छा, इसके बाद दो नाम और बताता हूं मैं आपको. शिव सुंदर दास एंड वन नेम इज अभय शर्मा. शिव सुंदर दास और अभय शर्मा. मिस्टर शिव सुंदर दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच. वो इलीगल वाला बैटिंग नहीं, बैटिंग कोच. यस. और अभय शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है फील्डिंग कोच. और हेड कौन है? मिस्टर रमेश पवार जो है वो हेड कोच है. तो ये सारे के सारे पॉइंट हो गए, क्लियर? नेक्स्ट, इंग्लैंड टूर के लिए सारे अपॉइंट हुए हैं, फील्डिंग कोच अभय शर्मा है. नेक्स्ट वन, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द डिजिटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस स्टार्ट किया है? FIRA स्टार्ट किया है, किस कंपनी ने स्टार्ट किया? करेक्ट आंसर है पेपाल. सम ऑफ यू आर कंफ्यूज, सर पेपाल हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग इन इंडिया. यस, PayPal is not working in India for the domestic transactions. International transactions के लिए PayPal काम कर रहा है. And foreign inward remittance advice is a document that act as a proof of all the inward remittance payment received from abroad. And it is required by each and everyone, individuals, companies, corporates, trust, हर एक को इसका जरूरत पड़ता है on request
बैंक्स आर इशूइंग इट बट पेपाल मेड इट ऑटोमेटेड. पेपाल ने उसको अभी हाल ही में ऑटोमेटेड बना दिया. Who has been appointed as the new chief of United Nations Office of Coordination Humanitarian Affairs? That OCHAK नए चीफ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर मार्टिन ग्रिफिस रिप्लेस टू मिस्टर मार्क. नेक्स्ट वन, HDFC बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी रेट एट व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल 2022? Overall, always I am saying you, it is not required right now to learn the predictions of GDP rate. अभी याद करने का जरूरत नहीं है, but फिर भी मैं revise करवाता रहता हूं. तो recently HDFC bank ने कितना percent announce किया है? 10% announce किया है. How much amount has been received in the remittance in 2020 by India according to the World Bank? विश्व बैंक के अनुसार भारत ने, remittance मतलब transfer of money from foreign nation to India. भारत भेजा गया पैसा विदेशों से उसको रेमिटेंस कहा जाता है. तो भारत ने कितना पैसा विदेशों से हासिल किया है वित्त वर्ष 2020 में, इन द ईयर 2020, हाउ मच मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडिया फ्रॉम द फॉरेन नेशन इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस? करेक्ट आंसर इज $83 बिलियन. करेक्ट आंसर कितना है सर? $83 बिलियन द अमाउंट. कितना अमाउंट है? $83 बिलियन द अमाउंट. And there is just a drop of 0.2% after the pandemic as well. It is just a drop of 0.2% compared to the previous year. It's a good record, guys. Means itna bura nahi hai ki 0.2 bahut kam hai agar gira hai after the pandemic. Which of the following country has received highest remittance from abroad in the year 2020? 2020 mein pure vishv ki agar hum baat karein, pure vishv ki baat karein, Which country has received the highest remittance from abroad? कौन सा देश है जिसने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पैसा जिस देश पर भेजा गया विदेशों से? Any idea? China, बहुत बढ़िया जा रहे हो China. And whenever I am saying बहुत बढ़िया जा रहे हो, it means answer is wrong. So correct answer is India, guys. India received the highest remittance from the foreign nation, that is $83 billion in the year 2020. China received $59.5 billion. China is on second position. China जो है आपका वो second position पर है, followed by Mexico, Philippines, Egypt, Pakistan, etc. तो India top पर है, ठीक है. Next one. How much fund has been approved by Union Cabinet for the implementation of production linked incentive scheme for the chemistry cell, advanced chemistry battery storage? Chemistry cell battery storage, ACC, advanced chemistry cell battery storage. इसके लिए कितना फंड एलोकेशन किया है अंडर PLI? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज PLI, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने PLI. तो 18,100 करोड़ रुपीज द फंड एलोकेशन, 18,100 करोड़ का फंड एलोकेशन. एंड इट वाज द लिस्ट आई हैव शेयर्ड इन द इन TNA आल्सो, PDF में ये आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू हैव द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड, अदरवाइज यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन वाइट गुड्स के लिए यहां पर लिख देता हूं 6,322 करोड़ रुपए. करोड़ इज कॉमन एवरीवेयर, ओके, करोड़ हर जगह पर कॉमन है. सो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पर फंड एलोकेशन हुआ रिसेंटली, यू गाइस कैन टेक, गाइस टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम लॉन्ग बैक. आई वाज नॉट सेइंग यू टू कीप द वॉलपेपर. सो इट वाज अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू कैप्ट द इमेज ऑफ योर सोनू बाबू सोना मोना ऑन योर मोबाइल वॉलपेपर और ऑन योर लैपटॉप डेस्कटॉप वॉलपेपर. रिमूव इट टुडे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. कीप दिस स्क्रीनशॉट एज द वॉलपेपर ऑन योर फोन और ऑन योर लैपटॉप. थोड़े दिन सोनू मोनो बाबू जो सोना है उनका निकाल कर इसको लगा दे, ठीक है. हाँ, जरूरी है, ये स्क्रीनशॉट काम आएगा, ठीक है. अच्छा, टर्न ऑफ द स्क्रीन कैम फॉर स्क्रीनशॉट. ले लीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली. यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट. You people don't want me on the screen while taking the screenshot. वो बोल रहा है सर हम एक तो इमेज हटा लें किसी की और फिर आपको ले आए स्क्रीन पर, तो करेक्ट है कहना. नेक्स्ट वन, who among the following has sworn as the new administrator of NASA? NASA के नए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर बिल नेल्सन, फॉर्मर US सेनेटर. सेनेटर मीन्स, ये पूछा था किसी ने TNA में, इट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड भाव्या लाल इंडियन अमेरिकन, शी वॉज एक्टिंग एज द चीफ ऑफ
नासा स्टाफ प्रीवियसली, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग चैटबॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड चैटबॉट ईवा ऑन सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल। डिजिटल सेवा पोर्टल पर ईवा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस बैंक ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आर द फिजिकल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरिंग द गवर्नमेंट ई सर्विसेज इन द रूरल एंड रिमोट लोकेशंस वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए सेंटर्स हैं उन जगह पर जहां पर इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरकार की सेवाएं वहां तक पहुंचाने के लिए इनको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। आरबीआई एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कर्नाटका बेस्ड मिलत कोऑपरेटिव बैंक टिल विच डेट? सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलत सहकारी बैंक के प्रतिबंधों को कितनी तारीख, तो अगस्त 2021 तक, टिल 8th ऑफ अगस्त 2021 इज द नेक्स्ट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर द रिस्ट्रिक्शन। एट प्रेजेंट द कस्टमर्स ऑफ दिस बैंक कैन एबल टू विड्रॉ मैक्सिमम 1000 रुपीज। ये अधिकतम विड्रॉ करने का लिमिट है सर, 1000 रुपए अधिकतम विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। सो Who has been appointed as the chairperson managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited? BPCL के chairperson किसको appoint किया गया है? BPCL chairperson, who has been appointed as the chairperson of BPCL recently? BPCL chairperson recently, correct answer is Arun Kumar Singh appointed as the chairperson of BPCL. Arun Kumar Singh appointed as the chairperson of BPCL recently. ठीक है, who is Mr. Arun Raste? Arun Raste sir का नाम सुना है हमने? Who is Mr. Arun Raste? Arun Raste sir is the chairperson of NCDEX. NCDEX के chairperson है, that is National Commodity Derivative Exchange Limited के chairperson है, exchange के chairperson है. Who is Mr. Mukhmit S. Bhatia? Bhatia sir कौन है? Mukhmit S. Bhatia is the chairperson of ESIC, Employee State Insurance Corporation. Mukhmit S. Bhatia. मल्लिका श्रीनिवासन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पीईएसबी की चेयरपर्सन है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन है। और एक लास्ट नाम आपके पास आ रहा है, दैट इज सबीर हुसैन। हु इज सबीर हुसैन, बताएगा कोई हु इज सबीर हुसैन? ये क्वेश्चन छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं, हु इज सबीर हुसैन? नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका श्रीनिवासन तक कवर किया मैंने, हु इज सबीर हुसैन? नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the CEO of National Acid Reconstruction Company? National Acid Reconstruction Company. Sabir Hussain पर छोड़कर आगे निकला हूं guys. Nobody answered who is Sabir Hussain. जानबूझकर छोड़ा था मैंने. इसका आंसर आने लगा है. Who has been appointed as the CEO of National Acid Reconstruction Company? चलिए तो आंसर बता देता हूं पहले. Mr. पद्मा कुमार नायर इज द करेक्ट आंसर, सीईओ ऑफ नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और टवी टी रविशंकर सर अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट हुए टी रविशंकर सर, राइट? टी रविशंकर अपॉइंटेड एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड आर एम सुंदरम, आर एम सुंदरम, बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट, बहुत बढ़िया संजय, बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट, ऑसम संजय। संजय का आंसर आया सबसे पहले सुबीर हुसैन, बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट के चेयरपर्सन है, ऑसम, वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन कोच चंद्रशेखर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स से संबंधित थे ये? करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस। ही वॉज अ वेल नोन प्लेयर एंड आफ्टर दैट ही वॉज अ वेल नोन प्लेयर एंड आफ्टर दैट अ वेल नोन कोच, पॉपुलरली नोन एज चंद्रा, इनको चंद्रा नाम से भी जाना जाता था। डाइड एट द एज ऑफ 63 की एज में इनका डेथ हो गया। द नेम ऑफ एमिनेंट स्क्रिप्टर राज्यसभा एमपी हु पास्ड अवे रिसेंटली, जिनका हाल ही में देहांत हो गया सर? करेक्ट आंसर है रघुनाथ महापात्रा। रघुनाथ महापात्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टूडे आई वॉज reading one news related to that his younger son is in
वेरी बैड सिचुएशन, इनके एल्डर सन जो एक्सपायर हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्हीं से रिलेटेड वो न्यूज था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इनके जो इनका जो फैमिली उसमें अप्रोक्सीमेटली इनके जाने के बाद एक दो डेथ और हो चुकी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वैसे भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। अच्छा कैमरा पर आ जाऊं मैं, फाइव फैमिली मेंबर डाइड, यहां विवेक ने भी लिखा है फाइव फैमिली मेंबर डाइड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेशन इज इन द परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन दैट इज पेस्को डिफेंस इनिशिएटिव अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन रिसेंटली, निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को पेस्को में हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर है नॉर्वे, कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो नॉर्वे, कैनेडा, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल ऑफ द अबव। पेस्को इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी के ऊपर काम करता है एंड 27 आउट ऑफ 25 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन आर द पार्ट ऑफ इट। 2017 में आपका पेस्को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया है मैंने और कैम ऑन कर लेता हूं आप। ठीक है, चलिए वापस आ गया कैमरे पर। 2DG विच इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, और आप बोल सकते हो कि फीता काटना, रिसेंटली आर डिफेंस मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 2DG वैक्सीन, COVID-19 ड्रग है, जो एक दवाई है, नॉट वैक्सीन, मेडिसिन, एक मेडिसिन लॉन्च की है। दिस मेडिसिन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर है आपके पास DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डॉक्टर्स रेडी लैब, डॉक्टर्स रेडी लैब के सपोर्ट से इसको डेवलप किया है। राइट, डॉक्टर्स रेडी लैब के सपोर्ट से इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 का थीम क्या है सर? टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, दैट इज करेक्ट, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल इन द प्रोग्रेस और डिजास्टर वॉट एवर इट इज। जैसे आज सुबह मैंने डेटा शेयर किया था, By the health ministry, the data has released that 50% of Indians are still not wearing the mask. This is the step of us toward the disaster. But together, we are unstoppable. बिल्कुल correct है sir. Red Cross Day celebrate होता है 8th of May को every year. Henry Dunant, who was the founder of Red Cross Society and the first recipient of Nobel Prize in the year 1901. Nobel Prize Peace, पहले सम्मानित व्यक्ति थे Nobel Prize से. Next question. Which is the headquarter of Indian Renewable Energy? Indian Renewable Energy Development Agency. Where is the headquarter? Headquarter is situated in New Delhi. Why this question? Because recently the same company honored with Green Urja Award 2021. Pradeep Kumar Das is the CMD. Company was founded in the on 11th March 1987 ko iska formation hua tha. Next question hai, Dibru Sekhova National Park is located in which of the following state? Correct answer is Assam. Yesterday ji ke humne TNA mein discuss kiya tha, so I thought that why not to revise it again quickly. Pradhan Mantri Samman Nidhi, that is Kisan Samman Nidhi, was launched in which year? In which government is providing 6,000 rupee per year in three equal installment, that is 2,000 at a time, to the small and marginal farmers. Small or marginal farmers ko ye amount diya jata, meaning of a small and marginal farm. Marginal farmer with the land holding up to 1 hectare, and the farmer with the land holding above 1 hectare, up to 2 hectare, 1 to 2 hectare, they are called what? They are called small farmer. Ye aapka definition banta hai small and marginal farmer ka. This scheme was launched on 24th of February 2019. 24 February 2019 ko scheme ki shuruaat hui thi sir. 65,000 crore. My mistake. 65,000 crore is the fund allocation for PM Kisan scheme. Which small finance bank has launched I choose my number feature? Choose my number feature. मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं मूव करने के लिए, so we can discuss more questions guys today. सिर्फ 25 हुए हैं अभी. So which small finance bank has launched I choose my number feature? Correct answer is Jana Small Finance Bank. Headquarters Bangalore. Ajay Khanwal is the CEO of Jana Small Finance Bank.
Which payment bank has launched Digi Gold in the partnership with Safe Gold? Safe Gold के साथ मिलकर डिजिटल गोल्ड को मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए Digi Gold किस बैंक ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर Airtel Payment Bank. So Airtel Payment Bank launched it. Airtel Thanks app का यूज करके इसको यूज किया जा सकता है, इस फैसिलिटी को यूज किया जाता है. Which of the following country successfully achieved landing its first Mars rover Zhurong? Zhurong is the rover of which country? Zhurong किस देश का रोवर है जिसने हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार पूरा किया है एंड बिकेम द सेकेंड कंट्री, दूसरा देश बन गया विश्व में टू डू सो. करेक्ट आंसर इज चाइना. आफ्टर यूएसए चाइना इज द सेकेंड कंट्री जिसका रोवर सक्सेसफुली उतर गया कहां पर? मार्स पर. नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ बाटा इंडिया? बाटा इंडिया के नए सीईओ अपॉइंट किए गए, उनका नाम क्या है? संदीप कटारिया, मनीषा कपूर, गुंजन शाह, मल्लिका श्रीनिवासन, पद्माकर नायर. करेक्ट आंसर है गुंजन शाह. गुंजन शाह ने रिप्लेस किया है किसको? संदीप कटारिया को. संदीप कटारिया हु वॉज प्रमोटेड टू द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा. तो बाटा के ग्लोबल सीईओ अपॉइंट हुए संदीप कटारिया जी, उनकी जगह ली है अभी गुंजन शाह ने. यहां पर मैंने पिक भी लगा रखी गुंजन शाह सर की. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ बाटा इज सिचुएटेड इन लुसाने स्विट्जरलैंड. इंडिया वाला जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में सिचुएटेड है सर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ नेपाल? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो नए नहीं है, वही है, मिस्टर के पी शर्मा ओली. मिस्टर के पी शर्मा ओली इन्होंने वापस से प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में. हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट 2021 रिलीज्ड बाय द फॉर्च्यून मैगजीन? फॉर्च्यून मैगजीन ने विश्व के महानतम नेताओं की सूची जारी की. इन महानतम नेताओं की सूची में सर शीर्ष स्थान पर कौन है? मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा ऑप्शन नंबर सी को, ध्यान से देखें फिर आंसर करें. देखिए नवीन कुमार जी का आंसर भी आने लगा, ऑप्शन सी है सर, ऑप्शन सी. हाँ, तो व्हाट इज द आंसर? महानतम नेता, महानतम, द ग्रेटेस्ट लीडर. सो ऑन द टॉप पोजिशन इट इज जैसिंडा एड्रिन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. Prime Minister of New Zealand, only one Indian was capable to make the place in this list. That was Aadhar Poonawalla. Aadhar Poonawalla, the CEO of Serum Institute of Technology. ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी इस लिस्ट में नहीं हैं. ये मैं आपको क्लियर कर दूं. कुछ होंगे जिनको लगेगा कि नहीं सर आपने मोदी जी का नाम नहीं लिखा था, तो नहीं है वो उस लिस्ट में, इसीलिए जो है मैं उनका नाम नहीं रख पा रहा हूं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2021? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज द थीम. 15th of May को सेलिब्रेट किया जाता है. 15th of May को सेलिब्रेट किया जाता है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इसका थीम है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल एडमिनिस्ट्रेट COVID-19 वैक्सीन टू द वल्नरेबल पीपल हु डज नॉट हैव आईडी प्रूफ? बिना आईडी प्रूफ के किस राज्य सरकार ने कहा है कि भैया टीका तो हम सबको लगाएंगे, COVID-19 का वैक्सीन सबको लगाएंगे, आईडी प्रूफ हो या ना हो? तो ऐसा कहने वाला पहला स्टेट है उड़ीसा. नेक्स्ट वन, मरेल कोटला, नाम सुनिएगा. मरेल कोटला इज द नेम ऑफ 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के 23वें जिले के रूप में मरेल कोटला को अनाउंस किया गया? करेक्ट आंसर है पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ज्वाइन COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, दैट इज कॉल्ड कोवैक्स इनिशिएटिव? कोवैक्स इनिशिएटिव जिसमें कम खर्चे में पूरे विश्व के लिए वैक्सीनेशन बनाया जाएगा, COVID-19 का वैक्सीन बनाया जाएगा, उसे कहा गया कोवैक्स प्रोग्राम. भारत का पहला राज्य जिसने कोवैक्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया ज्वाइन द कोवैक्स प्रोग्राम इज पंजाब सर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन हिट गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट एसेट्रा रिसेंटली? हाल ही में उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने गुजरात महाराष्ट्र आदि राज्यों को प्रभावित किया है सर, तो उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है तुकाते, ताउकेते. मैं कल तक बड़ा अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा था, ताउते. इट इज एक्चुअली ताउते. उसका सही में प्रोनाउंसिएशन जो है वो ताउते है. हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो काते हो जाता है, बट ताउते, ताउते इज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस
of this cyclone. And we heard that one more cyclone, that is YASS, YAS, or YAASS, YAS, or YASH, YASH. ऐसे दो तीन नाम आपको मिल रहे हैं. इट इज ऑल्सो कमिंग इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल की तरफ ही आने वाला है 25-26 को. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. हाँ, याद हो गया. हाँ, ताउते है, ताउते. नेक्स्ट वन, विच कंट्री वुमेन रग्बी फुटबॉल, इन विच कंट्री वुमेन रग्बी फुटबॉल 2022 विल बी हेल्ड. निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा 2022 का वुमेन रग्बी फुटबॉल. तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में इसको आयोजित किया जाना है वर्ष 2022 में. द नेम ऑफ टाइम ग्रुप चेयरपर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली. हाल ही में टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष का निधन हो गया. निम्नलिखित में से बताएं कौन टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन थे. तो करेक्ट आंसर है इंदू जैन जी. इंदू जैन जी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ टाइम ग्रुप. एंड द अदर नेम्स विच वी हैव हियर इन फ्रंट ऑफ अस, वन नेम इज मिस्टर वेणुगोपाल. मिस्टर वेणुगोपाल चंद्रशेखर. वेणुगोपाल चंद्रशेखर इज द ही वॉज द नेशनल टीटी चैंपियन. ये नेशनल टीटी चैंपियन रहे हैं, कोच रहे हैं. सुनील जैन वॉज द मैनेजिंग एडिटर ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. मैथमेटिशियन मिस्टर एम एस नरसिम्हन पास्ड अवे रिसेंटली. मिस्टर एम एस नरसिम्हन पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ मैथमेटिशियन. एंड मिस्टर एम नरसिम्हन वॉज द इकोनॉमिस्ट. ही वॉज द इकोनॉमिस्ट. ये बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर एम नरसिम्हन. चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच द आरआरबी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया. रीजनल रूरल बैंक जिनके रिकमेंडेशन पर स्टार्ट हुआ था वो एम नरसिम्हन थे. एम एस नरसिम्हन मैथमेटिशियन. कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया है. हु हैज बीन चूजन एज द पीपल एडवोकेट फॉर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 में पीपल एडवोकेट किसको अपॉइंट किया गया है. डेविड अटनबोरो हु वाज ऑनर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 के इंदिरा गांधी पीस प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया था. फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया फेस द फाइनेंशियल डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली. हु लेड इंडियन डेलीगेशन इन दिस कॉन्फ्रेंस. करेक्ट आंसर इज अजय सेठ. अजय सेठ हु इज द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. सेम पर्सन मिस्टर अजय सेठ has been nominated by the finance ministry as the board of member for reserve bank of india. RBI ke board of members mein inko bhi recently nominate kiya gaya, appoint kiya gaya hai. Next one, who has recently appointed as one of the four vice president of international council for advertising self regulation from india in the year 2021. Who is the chairperson of Indian broadcasting. Who is the chairperson of Manisha Kapoor, who is the chairperson of Advertising Standard Council of India, ASCI, Advertising Standard Council of India. She has been appointed as the vice chairperson of International Council for Advertising Self Regulation from India for the year 2021. नेक्स्ट वन, आयुष घर द्वार प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है. तो करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड आयुष घर द्वार प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, फॉरेस्ट पाउंड हिम सुरक्षा अभियान आयुष घर द्वार प्रोग्राम 15 अप्रैल सेलिब्रेटेड एज हिमाचल डे. तो ये पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश. हु हैज वॉन प्रेस्टीजियस विटले अवार्ड हिज हर फॉर हिज हर बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर. निम्नलिखित में से किसे विविधता शांति गलियारे के लिए विटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है. वाई नुकुल फोम फ्रॉम नागालैंड. नागालैंड से हैं वाई नुकुलू फोम. इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया है. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस एज अ नोटिफाइड डिसीज. ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज अनाउंस करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है. करेक्ट आंसर है हरियाणा. आंध्र प्रदेश ने इसे YSR सुश्री जो उनका स्कीम है उसमें इंक्लूड कर लिया है. दैट द गवर्नमेंट विल टेक द एक्सपेंस ऑफ द फॉर द मेडिकेशन ऑफ दिस डिसीज. ब्लैक फंगस डिसीज को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने स्कीम में इंक्लूड किया है ताकि उसका खर्चा सरकार के ऊपर उठाया जा सके, सरकार द्वारा उठाया जा सके.
In these of the following, who has won man's and woman's single winner for the Italian Open 2021? निम्नलिखित में से Italian Open 2021 के पुरुष और महिला एकल खिताब के विजेता का नाम बताएं सर. ऑप्शन देख लीजिएगा. आरोग्यश्री, जी हाँ आरोग्यश्री में ऐड किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है. आंध्र प्रदेश ऑल्सो परफेक्ट. व्हाट इज द नेम? रफेल एंड अच्छा सो रफेल एंड ईगा. करेक्ट आंसर इज रफेल एंड ईगा. सो रफेल नडाल एंड ईगा दे वॉन द मैंस एंड वुमेन सिंगल एट इटालियन ओपन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग चूजन एज द सिक्स्थ यूएन ग्लोबल ट्रैफिक सेफ्टी वीक थीम. निम्नलिखित में से किसे छठवें यूएन ग्लोबल ट्रैफिक सेफ्टी वीक के स्लोगन के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ. स्ट्रीट फॉर लाइफ इज द थीम. 17th मई से 23rd ऑफ मई इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको मनाया गया. कब से? 17 मई से 23 मई तक. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डिजाइंड इको फ्रेंडली क्रीमेशन कार्ट रिसेंटली. ये न्यूज मैंने टीएनए में नहीं लिया था, इंटेंशनली नहीं लिया था. आई वॉज नॉट इन मूड टू डिस्कस दिस न्यूज इन टीएनए, बट आई थॉट दैट आई कांट मेक माय ईगो सेटिस्फाइड टू स्किप वन न्यूज कि यार ये न्यूज मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, सो आई मिस दैट न्यूज. तो आई टुक इट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू डायरेक्टली, बट मैंने इंटेंशनली इसको स्किप किया था टीएनए में, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया. करेक्ट आंसर है आईआईटी रोपड़. आईआईटी रोपड़ ने इको फ्रेंडली क्रीमेशन सेंटर बनाया, क्रीमेशन कार्ड बनाया है, एक मोबाइल कार्ड है जिसकी सहायता से लोगों का क्या किया जा सकता है, पर्यावरण के अनुकूल शमशान गाड़ी तैयार की है. अंतिम जो विदाई दी जाती है वो इसके द्वारा दी जा सकती है सर. नेक्स्ट वन, एयरलाइन कैरियर गो एयर हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ टू बिकम अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एमिड कोविड-19 पैंडमिक. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी? गो एयर कंपनी का नया नाम क्या है? सिंपल कर दिया क्वेश्चन, दो लाइन एक लाइन में. गो एयर कंपनी का नया नाम क्या है? गो एयर का नया नाम है गो फर्स्ट. गो एयर का नया नाम है गो फर्स्ट. आईपीओ लेकर आ रहा है मार्केट में. आईपीओ होगा अप्रोक्सीमेटली 3600 करोड़ रुपए का. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो गो फर्स्ट नाम है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहा है 3600 करोड़ रुपए का. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस नेम्ड मिनी टीवी. निम्नलिखित में से किसने मिनी टीवी नाम से फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया है सर? तो करेक्ट आंसर है Amazon India. करेक्ट आंसर है Amazon India ने लॉन्च किया है. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मारुन गाम कोरोना मुक्त गाम, माय विलेज कोरोना फ्री विलेज, व्हाइल द लॉट्स ऑफ विलेजेस ऑफ दैट स्टेट इज स्ट्रगलिंग विद कोरोना. सो द स्टेट इज गुजरात. गुजरात ऑन 1st of May 1960 गुजरात वॉज फाउंडेड आफ्टर द पार्टीशन विथ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से हटाकर एक हिस्से को गुजरात एक अलग स्टेट बनाया गया था सर. और गुजरात ने हाल ही में लॉन्च किया है मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव कैंपेन अभियान लॉन्च किया है. गुजरात इज द करेक्ट आंसर. मॉक्टर उवानी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली. मॉक्टर उवानी को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है माली. बुमाको इज द कैपिटल एंड वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इज द करेंसी. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, गुस्से में नहीं कर रहा हूं, टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. एंड इट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइज दैट वेरी सून आई एम गोइंग टू कम अप विथ 100 टॉप क्वेश्चन. टॉप 100 क्वेश्चन जो हमारे होते थे, टॉप 100, टॉप 140, तो आई एम गोइंग टू कम बैक विथ द सीरीज ऑफ अगेन टॉप 100, टॉप 140 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज होता था उस पर वापस से आऊंगा. बट नीड द सपोर्ट ऑफ यू गाइज बिफोर दैट. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसके पहले. सो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? करेक्ट आंसर है फ्यूचर फॉर म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन. आज सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, पर 120 क्वेश्चन वाला जो हमारा सीरीज होता था 140 क्वेश्चन इन वन गो, वो लेकर आएंगे. बट बिफोर दैट आई नीड योर सपोर्ट. जब
हमारा जीए जीनियस वापस से 150 प्लस पहुंच जाएगा, जब हमारा टीएनए वापस से 150 प्लस पहुंच जाएगा, इफेक्टिवली नेक्स्ट वीक, इट इज माय प्रॉमिस, इफेक्टिवली नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू कम अप विद 140 क्वेश्चन। तो उसमें इतनी हेल्प बस करें कि थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को बता दें शो के बारे में, दोनों शोज के बारे में, और आपको लगता है बुराई करें, आपको लगता है तारीफ करें, आप बताएं जरूर, टेल अबाउट द प्रो एंड कॉन्स बोथ साइड, ठीक है, मुझे भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। सो जल्दी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप अगले हफ्ते ले आए, और नेक्स्ट वीक से मैं नेक्स्ट वीक ही ले आऊंगा, बट डेफिनेटली एग्जाम के पहले लेकर आऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो गाइस, आई विल मीट यू एट 11 o'clock, वी हैव अ सेशन ऑन ऑल बोर्ड, एज आई एम लीविंग द सेशन राइट नाउ बिकॉज आई हैव अ पेड क्लास एट 11 o'clock, सो आई विल मीट यू देयर, टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल बोर्ड गाइस, जय हिंद। This is Bhupat Raja Himasagar from Srikakulam district, Andhra Pradesh. I got selected in the SBI PO notification 2020. Through online videos in the YouTube, I came to know about Olive Board Edge and Olive Board website. I took the Olive Board Edge subscription and attended live practice sessions and recorded video lectures and online live classes, which helped me a lot to gain speed, accuracy and stay positive and focused in this preparation. My special thanks to Olive Board team for providing me good source of mock tests and bold series and online educators who really helped me to be focused on this preparation.